रायसेन जिले में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा अब्दुल्लागंज जनपद में स्थित दाहोड़ डैम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डैम की वर्तमान स्थिति, संग्रहित जल की मात्रा आदि के बारे में जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने डैम के रेलिंग के रिपेयर कराने, पीचिंग कार्य कराने तथा 800 मीटर सीसी रोड का निर्माण कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके तहत ही जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि वर्ष 2003 में प्रदेश में 6 से 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी और अब वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। इसके बाद मंत्री द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत जामुन का पौधा भी रोपा गया। तुष्ट है आप व्यवस्थाओं की? सिंचाई का रकबा बड़े, मैं आपको बता दूं 2003 और 4 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा मात्र 6 या 7 लाख हेक्टर हुआ करता था। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वर्तमान में 50 लाख हेक्टर में सिंचाई कर रहे हैं। कितने लाख हेक्टर में? और भविष्य 25 में 65 लाख हेक्टर सिंचाई, कितने लाख? 65 लाख हेक्टर सिंचाई करेंगे।